Once again in our queen show और welcoming you all. Please जल्दी से join कर लीजिए क्योंकि आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं राज के साथ. ये of course दिलवाले दुल्हनिया वाले राज नहीं है, but yes, whatever he is doing great. तो सबसे पहले तनु तनु को हम लोग add करेंगे, then we'll add राज. So let's see. यस हाय तनु. हेलो, वेयर आर यू? हेलो, हेलो, हाय हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई एम ऑलराइट गाइस, हाउ आर यू? मैं तो एकदम बढ़िया. वी आर गुड. और बहुत ज्यादा वेट हो रहा था इस लाइफ का, तो कब से हम लोग वेट कर रहे थे, बट फाइनली इट इज हैपनिंग टुडे. सो गाइस, जल्दी से फटाफट हमें ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज बहुत सारी चटर पटर बातें होने वाली हैं, बहुत सारी बिहाइंड द सीन राज खुलने वाले हैं राज के. ओके, लेट्स वेलकम आर अनदर हीरो राज. इन्होंने कुछ ऐसा किया जो अभी तक पूरे इंडिया में शायद ही किसी ने सोचा होगा, और सोचा होगा तो हमारी नजरों के सामने नहीं आया. बट एनीवेज, व्हाटएवर ही इज डूइंग रियली रियली ग्रेट. इन्होंने एक इनिशिएट किया और उसके तहत इन्होंने दूसरों की स्टोरी सुनना शुरू किया, दूसरों की बातें सुनना शुरू किया. सबको पता है कि हमें कोई ना कोई एक लाइफ में चाहिए होता है जिसे हम अपनी बातें बता सकें और विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी फिल्टर, क्योंकि हम बात करने से घबराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमें जज कर लेगा. बट इन्होंने स्ट्रेंजर्स की स्टोरी सुनी और उनको एक बोर्ड के साथ अपना स्टार्ट किया कि आई विल पे यू 10 रुपीज इफ यू विल शेयर योर स्टोरी विद मी. एक इंसान ने ये स्टार्ट किया और फिर कारवा आगे बढ़ता चला गया और फिर एक पूरी आर्मी खड़ी हो गई है आज की डेट में. और ये लिसनर्स आर्मी क्या है, इसके बारे में हम ढेर सारी आज बातें करने वाले हैं. सो फॉलोअर्स, स्टे ट्यून्ड विद अस क्योंकि आज बहुत सारे राज खुलेंगे एज आई सेड अर्लियर. बिल्कुल. एंड दिस द कॉन्सेप्ट इज सो ब्यूटीफुल. हम मतलब ये अपने आप को एक पर्सनली अगर तुम देखो तो मतलब मन करता है अपनी चीज किसी को बताने का, सुनाने का, ठीक है, लेकिन लोग अवेलेबल नहीं होते हैं ट्रूली स्पीकिंग. तो ठीक है, एंड राज इज डूइंग व्हाट इज कमेंडेबल और बहुत हेल्प करता होगा लोगों को अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में. लेकिन सबसे पहले लेट अस स्टार्ट, हु इज द राज, द बिहाइंड द सीन राज. राज कौन है? आपकी स्टडीज, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब कहाँ है और कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि आपने ये वाला अपना मिशन स्टार्ट किया, एंड कैसा लग रहा है आपको? ओके सो मैं मेरा बचपन एक्चुअली दुबई में गुजरा है. मेरी एजुकेशन वहाँ पे हुई है. वो एजुकेशन के बाद आई केम हियर फॉर माई फर्दर एजुकेशन कॉलेजेस के लिए. तो आई वॉज हेयर इन पुणे. यहाँ पे PICT में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. इंजीनियरिंग करते करते आई वॉज इन अ फेज वेयर मैं रियलाइज किया आई वॉज इन डिप्रेशन, जिससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. बिकॉज मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि अपन डिप्रेशन में है. बट थैंक्स पीपल अराउंड मी, जो इंस्पायरिंग पीपल थे, उन लोग ने मुझे हेल्प की. दे हेल्प मी कम आउट ऑफ इट. तो जब मैं इसमें से निकला तो आई रियलाइज कि यार हम बहुत लोग ऐसे जो उसमें से निकल नहीं पाते हैं. सो आई थॉट लेट्स डू समथिंग फॉर देम, है ना. तो एक दिन मैंने ऐसी एक स्टोरी देखी, आई थिंक एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे, दैट सेड दैट टेल मी योर स्टोरी एंड आई गिव यू $1. एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये लोग कर रहे हैं बाकी कंट्रीज में, बट हम क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट गिविंग आउट अ मैसेज दैट वी आर हियर फॉर यू इफ यू वांट टू टॉक? सो आई सेड लेट्स डू समथिंग एंड मैं भी ये करूंगा. इन दैट वे यू कैन रीच आउट टू पीपल आउट देयर, यू नो, जिनको मदद चाहिए, जिनको किसी से बात करनी है, दे विल रीच आउट टू यू. So I thought let's do it, and when I went out there, it was a beautiful journey. It was a beautiful day. काफी अच्छे लोग मिले हैं, काफी स्टोरी सुनी है, और टिल डेट वी आर गेटिंग अ ह्यूज रिस्पांस. बहुत लोग यार, आई रियलाइज कि यार जो लोग व्हेन पीपल कम टू मी ना, तो मैं उनको देख के ऐसे, मतलब वो एक रहता है ना ह्यूमन टेंडेंसी टू जज कि हाँ कि इसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, पूरा होगा, दे इसका तो लाइफ सॉर्टेड होगा एंड एवरीथिंग. बट व्हेन दे कम टू मी, इट्स स्कैरी, यू कांट इवन इमेजिन व्हाट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू जस्ट उसको देख के. यू नो, बाहर से एवरीवन इज लुकिंग फाइन एंड गुड, बट डीप इनसाइड दस एवरीवन इज सफरिंग आई फील. तो हमसे ना इट हैज बीन अ
ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी दैट यू नो आई इवॉल्व एज एन ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज समथिंग आई रियली चेरिश दैट यू नो इतने लोगों एग्जैक्टली मिलके या सो दैट गिव्स आपके मी यस टेल मी नो नो या प्लीज कंटिन्यू नो आई वाज जस्ट सेइंग दैट अपने एक्सपीरियंस तो एक ह्यूमन बीइंग को अच्छा बनाते ही हैं, बट व्हेन यू लिसन टू अदर्स पर्सन्स प्रॉब्लम और उनके एक्सपीरियंसेस भी जब आप शेयर करते हो तो दैट बेसिकली लेट एन इवोल्यूशन इनसाइड यू. एब्सोल्युटली तो राज अभी तो आपने काफी ग्रो कर लिया, लेकिन अगर हम बात करें द वेरी फर्स्ट डे जब आप वो बोर्ड लेके खड़े होंगे, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस दैट डे? सो इट वॉज वेरी स्केरी आउट देयर बिकॉज आई एम थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड, ऑब्वियसली कोई भी हो सकता था और आई एम शाय काइंड ऑफ पर्सन. स्टार्टिंग में आई फेल्ट यार लोग देखेंगे कैसे, लोग रियलाइज करेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ विल अंडरस्टैंड नॉट और विल दे मेक फन ऑफ मी, तो वो एक रहता है ना एक सोशल एंजाइटी हो जाती है थोड़ा बहुत. स्टार्टिंग में आई वॉज रियली स्केरी, बट द फर्स्ट पर्सन आई मेट शी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, तो शी अंडरस्टूड इट कि हाँ ही इज डूइंग समथिंग फॉर मेंटल हेल्थ, मे बी लेट्स टॉक टू हिम. तो उन्होंने मुझसे जब बात की तो आई रियलाइज यार कि ये चीज बहुत अच्छी है जो मैं कर रहा हूँ एंड दे शी गिव मी स्ट्रेंथ स्पीकिंग. अगर मैं उसको नहीं ना तो आई माइट हैव लेफ्ट, आई माइट हैव नॉट कंटिन्यू डूइंग इट. बट यस, जितने लोग मिले उनकी स्टोरीज में मैं जो उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यू एड करता गया दैट हैज एम्पावर्ड मी अ लॉट. सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट अगेन एंड अगेन, फिर द जर्नी हैज बीन इवॉल्विंग. यस, सो ट्रू. तो अभी आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं कि अभी आपका सिर्फ यही चल रहा है? नो नो आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो फिर आप टाइम कैसे निकालते हैं? इवनिंग इवनिंग्स एवरीथिंग इवनिंग्स बीच में, सिंस इट इज वर्क फ्रॉम होम नाउ टेम्पररीली नेक्स्ट आई थिंक 15-20 डेज के लिए और, बट यस वर्क फ्रॉम होम हैज गिवन मी दैट चांस टू यू नो वर्क ऑन दिस टू, बिकॉज अच्छा, काम तो होता रहेगा यू नो. बिल्कुल सही बात है. एंड व्हाई 10 रुपीज? That is a beautiful thing because 10 रुपए ना, I was student when I started this and since I understood that वो $1 दे रहा है, I thought you know अपने pocket से अपन कितना दे सकते लोग. I said 10 रुपीज pocket पैसे हम ऐसे दे रहे हैं, देखो 100 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा मैं, तो मैं बोलो 50 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, बट I thought you know 10 रुपीज तो I can give. So मैंने की एंड ऑल्सो तो लॉजिक आई थिंक देने की जरूरत नहीं थी, बट आई थॉट यू नो कि हमारे आसपास हम खुद ही इतने लाइफ में अपने बिजी हो चुके हैं कि अपन अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं निकाल रहे बिल्कुल भी. अपनी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे मॉम डैड, मेरे जॉब, आर वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट. सो व्हेन आई थॉट यू नो कि वी शुड डू समथिंग सो दैट दे कैन मेक अ चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल, तो व्हेन आई गेव देम 10 रुपीज, अगर मैं किसी से बात करी उनके 10 रुपए दे रहा हूँ, आई ऑलवेज सजेस्टेड देम कि आप अगर किसी और से बात कर रहे हैं तो आप मतलब अगर आप रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, उनको आप हेल्प करो, अगर आपको लग रहा है कि समवन इज एक्टिंग अ लिटिल डिफरेंट, टॉक टू देम यू नो, हेल्प देम अराउंड एंड गिव दिस 10 रुपीज टू देम एंड आस्क देम टू हेल्प समवन एल्स आउट, सो इन दैट वे वी फॉर्म अ चेन एंड यू नो थिंग्स गो ऑन एंड वी टेक टाइम आउट फ्रॉम आवर लाइव्स एंड हेल्प अदर्स. सो यू नो वन डे ऐसा ऐसा एक दिन आना चाहिए जहाँ पे एक स्ट्रेंजर से बात करने की आपको जरूरत ना पड़े, आपके दोस्त इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि एक राज की जरूरत ना पड़े बस. ओह हाउ स्वीट. बट हम इस सोसाइटी को हमेशा ही एक राज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास फ्रेंड नहीं है उनके पास राज है. और ये ना, ये गिविंग 10 रुपीज आपके बोर्ड की जो लाइंस हैं उनमें एक स्पार्क ऐड करता है, एक ट्रिगर देता है कि नहीं, वी शुड गो एंड टेल राज. तो राज, यू हैव ऑलवेज बीन दिस काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट कि जब आपने डिप्रेशन से खुद एक जंग लड़ी उसके बाद आप खुल के सामने आए? हाँ नो नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, आई डोंट थिंक कि अभी मैं तो ओपनली इंटरेक्ट कर सकता हूँ, बट या पहले तो नहीं था, पहले काफी शाय था. मतलब अगर मेरे फ्रेंड्स भी, मैंने ऑनलाइन भी बहुत दिनों बात की है, बट अगर हम पहली बार मिल रहे तो आई विल स्टिल बी ऑकवर्ड अ वाइल, फॉर अ वाइल इट टेक्स टाइम टू यू नो मिलने को बोलने को, बट या वंस दे गेट टू नो मी देन देयर इज नो स्टॉपिंग. ओके. बट या आई रियली वर्क, अभी जैसे यू नो इफ आई गो आउट टू टॉक समथिंग यू नो, तो आई आई डोंट थिंक ट्वाइस कि यार लोग क्या सोचेंगे, पहले वो बहुत आता था, नाउ आई एम वेरी बोल्ड. सो दिस हैपेंस व्हेन यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड बिकम अ वॉइस गेम. सो या तो एक तो फैक्ट सामने आया है तनु, कि खुद राज वो फील कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को ही नहीं सिर्फ उठाया,
बट उस वो एनर्जी को उन्होंने कितने अच्छे से यूज किया कि उन्होंने दूसरों की भी हेल्प की, कि जो मेरे जैसा कोई है अगर फील कर रहा है तो मैं उसकी लाइफ में क्या चेंज लेके आ सकता हूँ। ये इतनी ब्यूटीफुल चीज है, इतना ब्यूटीफुल थॉट है, क्योंकि जब हम डिप्रेशन को झेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाते, दूसरों की लाइफ में तो आप क्या ही चेंज लेके आएंगे, और वो थॉट आता भी नहीं है। सबसे पहले इंसान अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बट राज, आपने जो ये उठाया कदम, ये बहुत 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 अच्छा है। और अरे बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज समथिंग एल्स, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये आपने खुद ही अपना एक फियर कॉन्कर किया है यहाँ पे। तो बात करते हैं 2020 दिसंबर की, जब आपने स्टार्ट किया या आपने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, तब से लेके अब बिल्कुल तक इट्स बीन अ ईयर, तो कैसा क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? इफ आई कॉल लाइक अबाउट सोशल मीडिया, क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में सोशल मीडिया से, और आप अपनी ग्रोथ कहाँ देखते हैं 1 साल के अंदर? राइट. तो जो चेंज हमारे अंदर आए कि थैंक्स टू मीडिया एंड यू नो अदर पेजेस लाइक योरसेल्फ दैट हैव एम्पावर्ड अस एंड हेल्प्ड अस टू रीच आउट मोर पीपल जिनको जरूरत है, तो बहुत लोग तक पहुंच सके हैं अभी तक. एंड आई एम श्योर कि आगे भी चीज ग्रो होती रहेगी सो दैट वी रीच आउट टू पीपल. दैट्स द थिंग. ये जो लास्ट एक साल में नाउ वी हैव फॉर्म द आर्मी जो काफी ग्रो कर रही है. ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जिसको हम वी आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम सो दैट वी गेट टू नो अदर लोग. सो या इन नेक्स्ट 1 ईयर वी आर गोइंग नेशन वाइड. अभी बहुत एवरी सिटी वी आर हैविंग वॉलंटियर्स जो संडे को गायक परफॉर्म वो लोग आ जाके करते हैं अपने अपने सिटीज में. एंड यस वी आर लुकिंग टू एक्सपेंड इन एवरी सच सिटी. सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग आउट. हर सिटी में कैसा इंसान होना चाहिए, हर सिटी में रहना चाहिए जिससे आप जाके बात कर ग्रेट सको. ग्रेट या सेफ ग्राउंड एक प्लेस होनी चाहिए यार. मतलब आई ऑलवेज फेल्ट कि जहां भी जाओ एक प्लेस ऐसी होनी चाहिए वेर यू डोंट हैव टू यू नो दैट फियर ऑफ जजमेंट. बिल्कुल। समटाइम्स जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो देर आर टाइम्स वेन वी डोंट वॉन्ट अ सजेशन, वी जस्ट वॉन्ट समवन टू लिसन, कि आप बस बैठ के सुन लो। तो आई मीन फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल इट मस्ट हैव हेल्प्ड अ लॉट, राइट? एब्सोल्युटली. तो राज, एज वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, है ना, ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। कुछ लोग अभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। आपके पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, बट स्टिल पीपल आर डीलिंग विद इट, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू यू, एंड हाउ इज आवर यूथ इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट? राइट. तो फर्स्टली ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट डिप्रेशन रियली इज. बिकॉज पीपल बिलीव दैट दे आर सैड फॉर बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड एंड दे थिंक दिस इज डिप्रेशन वेरी टेम्पररीली. एंड नेक्स्ट वीक यू सी देम हैप्पी एंड यू नो अगर वो नॉर्मल लोगों से मिलते हैं विद देयर फ्रेंड्स दे एंजॉय एंड दे आर हैप्पी. बट दैट इज नॉट व्हाट डिप्रेशन इज. डिप्रेशन इज समथिंग दैट इज मोर डीपर देन दैट. इफ यू आर इन दैट कंटिन्यूअस नेगेटिव स्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू हैव वेरी सो मच या तुम लोग को नींद नहीं आ रही है या फिर बहुत नींद आ रही है या फिर भूख नहीं लग रही है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड यू कंटिन्यूसली तुम एक एक दो दो महीने से कुछ फील ही नहीं कर रहे. यूर ओवर थिंक अलॉट. ऑल दी सिम्टम्स कैन सजेस्ट दैट या यू आर इन डिप्रेशन. और डिप्रेशन इज नॉट समथिंग यू नो कि यू कैन पुट इन इन वर्ड्स प्रॉपरली. इट इज अ फीलिंग एंड इमोशन जो आप बहुत टाइप से फील कर रहे हो. उसके भी अलग अलग लेवल्स है. क्लिनिकल डिप्रेशन बहुत सीवियर वाला. सो देयर कैन बी सिचुएशनल डिप्रेशन जो आपको स्टार्टिंग में किसी सिचुएशन की वजह से कुछ ट्रिगर हुआ एंड देन यू आर फीलिंग इट. तो बस यही एक छोटी छोटी चीज है जो लोगों को समझानी है. जो लोग समझते नहीं है उनको लगता है कि टीनेजर्स राइट और यंग जनरेशन दे डू नॉट रियलाइज दैट यू नो हाउ टू बी अ गुड पार्टनर इन रिलेशनशिप. और फिर जब उनको उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ये करते हैं क्या कहते हैं परेशान करते हैं सो दे थिंक कि ओके इट्स ओके टू एक्सेप्ट दैट. जस्ट सेकेंड या सो एंड दे गो एंड यू नो दे कीप ऑन टेकिंग दैट हेट एंड फिर वो एक पॉइंट के बाद इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर उनको रियलाइज होता है कि दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर देमसेल्व्स. सो या उनको ये रियलाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वॉट यू एमिंग फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. वी विल बी डूइंग ऑन ग्राउंड सेशंस ऑन इन स्कूल्स वेर यू टीच पीपल अबाउट वॉट इज डिप्रेशन हु टू रीच आउट टू इफ यू आर फीलिंग लो एंड सैड.
आई ऑलवेज से यू नो टू जितने भी यंग लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनको यही समझाता कि योर पेरेंट्स आर द बेस्ट वेल विशर्स एंड बेस्ट एडवाइसर्स यू विल एवर गेट इन योर लाइफ. तो ट्राई टू बी एज ओपन कम्फर्टेबल अराउंड देम. आई नो हम ये सोचते कि वो अलग जनरेशन को समझ नहीं पाएंगे या फिर समथिंग लाइक दैट, बट या एट द एंड ऑफ द डे दे आर द वंस हु आर गोइंग टू स्टिक टू यू नो मैटर वॉट. फॉलोअर्स, आपके लिए एक अपडेट है कि आप बने रहिए हमारे साथ. मैं किसी की वीडियो लाइव के लिए रिक्वेस्ट प्लीज एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी अभी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं राज के साथ. बट यस, यू कैन सेंड योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. हम लोग सबके फॉलोअर सेगमेंट में कमेंट्स भी लेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे, सबका आंसर करेंगे. राज, आज हमने राज को स्पेशली बुला लिया है, इसका टाइम ले लिया है, तो ये सबके आंसर करके ही जाएंगे. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आप दूसरों की स्टोरी सुनते हो राज, ये आप सिर्फ सुनते हो उनकी, या आपका भी कोई उनको सजेशन रहता है, या कुछ आप अपना भी इनपुट देते हो जस्ट टू मेक देम वेरी रिलैक्स्ड और जस्ट टू मेक देम हैप्पी? सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो बताने आते हैं दे आर लुकिंग फॉर एडवाइसेस, बट एज अ लिसनर वी आर नॉट आई डोंट थिंक वी आर इन दैट पोजिशन कि हम उनको सजेशन दे सके. बिकॉज अगर समझो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज गिविंग मी अ स्टोरी कि हम मेरा गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था और वो ऐसा कर रही है, शुड आई गो बैक टू हर और शुड आई नॉट, शी वाज वेरी टॉक्सिक टू मी. अगर मैं ये सुन लिया कि हाँ शी इज वेरी टॉक्सिक एंड इफ आई उसमें अगर मैं सजेस्ट करूँ कि आप उसके साथ वापस मत जाओ, देन इट कैन बैकफायर ऑन मी. हाँ बाद में उसको ये नहीं लगेगा कि यार वो भैया ने बात मत करो इसलिए मैंने किया नहीं. अगर उस टाइम की होती तो आई वुड हैव बीन हैप्पी विद हर. सो दैट इज व्हाई वी नेवर गिव. Ask them what you will do in the situation. So answer na even psychologist ko abhi suggestion nahi dete. So I learned that I was keen observer jab main psychologist ke paas ja raha tha. So I learned that yeah, you can ask others ki what do you think you can do in the situation. Or so apne paas hi rehte, you know, people just don't have that insight to look up to it. Logo ko wahi dekhna dikhana is very important ki how you want to move forward from this point onwards. Whatever has happened has already happened. You can't change that. But even change the future, you know, change your decisions at this point. So we decision lene mein hum unko help kar sakte hai, and that's it. We don't, matlab I don't advise them anything as such. Okay. So any story that you feel ever like connected most? Koi aisi story jo dil ko ekdam chhu gayi ho, connected laga ho ki nahi? Ye to hai. इससे तो काफी चीजें होती है जो काफी रिलेट कर जाते हैं हम, जो कि करना गलत है बिकॉज दैट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ टू. तो एक इंसिडेंट था जो आई वुड रियली लव टू शेयर, दैट आई वाज स्टैंडिंग ऑन एफसी रोड वेयर आई स्टैंड यूजुअली ऑन इन पुणे, एंड देयर वाज दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल आंटी. शी केम ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ टू मीट अ सन, बट उनका जो बेटा था ही फील्ड वेरी बैड दैट यू नो वो बिना बताए आ गई, मुझे सरप्राइज देने आ गई. और ही फेल्ट दैट ही वाज उसकी जो फ्रीडम थी कॉम्प्रोमाइज हो गई कहीं ना कहीं. ही वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विद his girlfriend or you know, and फिर अचानक से आंटी, he felt very sad. And आंटी was feeling very low that you know कि मैं इतने effort से इतने प्यार से उसको मिलने आई और he doesn't even want me there. तो वो अकेले ही घूम रही थी बाहर in an unknown city ऐसे, and then she met me, she talked, and then I felt very lost because I could not do anything for her. And but at the end she gave me a very tight mama bear वाला hug and she felt very good. She said कि यार मुझे अपनी बेटे जैसा फील हुआ आपसे बात करके. एंड मैंने गिवन दैट 10 रुपीज दैट डे. शी सेड वन लाइन दैट स्टक विद मी, यू नो शी सेड कि यार ये 10 रुपये हमेशा अपने साथ रखूंगी और जब भी मुझे ऐसा लगे कि मुझे किसी की जरूरत है तो आई लुक एट दैट एंड आई हैव इट इन माय हैंड. सो इट वाज वेरी स्वीट इट्स टू मी. एंड ये सब वी आर हियर टू गिव पीपल्स. अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इंसिडेंट से. तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन, जो हम सब जानते हैं क्या होता है इंट्रोवर्ट, और सडनली आप इतने सारे स्टोरीज दूसरों के सुन रहे हो, इतना प्यार की एकदम बारिश हो रही है, जैसे एज यू सेड या आंटी मिली, क्या फीलिंग आई कि मतलब इंट्रोवर्ट ज्यादा अच्छा था कि ये जो अब मैं इवॉल्व हुआ हूँ एज अ पर्सन ये ज्यादा अच्छा है? यार बात करने में मजा आता है, लोगों से बात करनी चाहिए, है ना? एब्सोल्युटली. मतलब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं डायरेक्टली इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने के लिए. सो मेरे लिए भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैंने एक साथ 100 लोगों से बात की है. मैं एक एक करके आई टुक दैट स्टेप एंड देन आई वेंट फॉरवर्ड.
तो एक एक स्टेप से आई इवॉल्व्ड, एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप में से कोई आप है जो इंट्रोवर्ट है तो रीच आउट टू 1%, फिर 5 लोग से बात करना चालू करो, फिर 10, एंड देन यू कैन यू नो एक्सपेंड एंड ग्रो. तो हाँ, पहले इंट्रोवर्ट था मैं, तो मुझे थोड़ा नहीं इतना कंफर्टेबल होता था, बट यस आई रियली लव बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट. इट्स रियली नाइस टू यू नो रियली कनेक्ट विद समवन हु इज अराउंड यू, जिसको आप नए नए तरीके से मिल रहे हो, उनको कंफर्टेबल फील कराना इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. सो आई थिंक कि हम सब में थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए. यू नेवर नो कि आप किससे किसके साथ यू नो जान पहचान निकल जाए. अभी मैं इतने लोगों को मिलता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे उसमें से अगर मैं 10 लोगों मिला, कम से कम 3 तो ये बोलेंगे कि अरे आप तो उसके फ्रेंड हो ना, उसके फ्रेंड हो, उसके फ्रेंड हो, ऐसे कुछ ना कुछ करके कनेक्शन निकल आता है. तो आप यू टेन टू मीट देम अगेन एंड अगेन, यू नो यू कैन हैव दैट नाइस कनेक्ट, यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, एंड इट्स अ नाइस फीलिंग टू हैव समवन जो आपको पता है कि हाँ चलो अगर कोथरूड गया तो मैं मेरा एक दोस्त है वहां पे. इट्स Right, नाइस. right, right. That's what we are also doing. Network. Okay. यस. तो अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया मुझे अचानक से कि जैसे कोई आया आपके पास कि नहीं मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, बट यू आर ऑन रोड, राइट? तो जैसे आप शाये थे, ऐसे लोग भी शाये होते होंगे, बट दे वॉन्ट टू शेयर, बट आप रोड पे हैं तो वो एटमोसफेयर से वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो 4 लोग और भी सुन सकते हैं. तो किसी ने बोला है कि नहीं, लेट्स गो टू अनदर प्लेस और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है मेरी स्टोरी, ऐसा कभी हुआ है? जी ये तो कई बार होता है कि बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते बात करने को. सो या तो किसी हाँ की लंबी व्हाट आई से विल गो ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड एंड विल सिट डाउन देयर. वहां पे बैठने की जगह बनी हुई है, सो वी कैन सिट एंड वी कैन हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन. तो या बहुत बार ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो नहीं होते ऊपर. कई बार ऐसा भी हुआ है राइट कि समवन हु वेर वेरी बहुत आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस इफ यू परमिट. या अच्छा जो मुझे बहुत टाइम पहले मिले थे और उसी रोड पे ही, जो बहुत डिप्रेशन में थे, जो मुझे रियलाइज हुआ उनको देख के ही, यू नो यू कैन फाइंड आउट ना उनके एक्शंस, उनके द वे दे मेक आई कॉन्टेक्ट एंड एवरीथिंग, कैन रियलाइज कि समवन इज समथिंग इज रॉन्ग. बट वो बात करने को रेडी नहीं थे वहां पे. सो देन आई डिड नॉट फोर्स यू नो कि देन शी आस्क्ड मी कैन आई हैव योर नंबर, आई टॉक टू यू लेटर. यूजुअली आई डोंट गिव माय नंबर्स आउट बिकॉज़ यू नो काइंड ऑफ प्राइवेसी भी अफेक्ट हो जाती है. बट देन आई गेव अ नंबर एंड शी आई काइंड ऑफ फॉरगॉट अबाउट इट. तो कुछ दिनों बाद आई गेट अ कॉल, शी कॉल्ड मी, शी सेड आई एम स्टैंडिंग ऑन माय टेरेस, आई ईदर जंप ऑफ और कट माय हैंड, आई हैव अ नाइफ इन माय हैंड एंड यू आर माय लास्ट होप, आई हैव टॉक टू एवरीवन, मैंने जितनों से हो सकता है, मैंने जो कर सकती थी मैं किया, बट नो वन इज देयर टू हेल्प मी, यू आर माय लास्ट होप. एंड आई वाज थोड़ा सा आई वाज शॉक्ड बिकॉज़ दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. बट आई कामड डाउन, मैंने बोला कि व्हाटएवर इट इज वी विल टॉक अबाउट इट, नो जो भी है विल सी. जो काम किया उनका सेंडर इन अ रूम, रूम में बैठ के मुझसे बात की, वी टॉक्ड अराउंड 2-3 घंटे उस दिन. आई रियलाइज शी हैड मेनी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में, बॉयफ्रेंड को लेके, घर वाले जिससे शादी करवाने वाले थे उनको लेके, शी रिसेंटली लेफ्ट अ जॉब फॉर अ बिजनेस एंड द बिजनेस वाज आल्सो नॉट वर्किंग. बट देन आई सजेस्टेड हर कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आई विल गिव यू अ पर्सनल साइकोलॉजिस्ट, जो मेरे साइकोलॉजिस्ट उनका नंबर देता हूँ, एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट. एंड देन आई आफ्टर 6 मंथ्स आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट हर. एक बार उनसे बात हुई तो शी वाज सेइंग कि हाँ तो जर्नी इज गोइंग ऑन, हीलिंग जर्नी इज गोइंग ऑन, आई एम बेटर देन बिफोर. एंड कल आई सॉ हर ऑन एफ सी रोड एंड शी गिव अ वेरी ब्राइट स्माइल एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी टोल्ड मी दैट यू नो शी इज फाइनली आउट ऑफ इट. एंड दैट फीलिंग आई एम वाह, टेलिंग यू प्राइसलेस. आई वो मुझे इसलिए इनफैक्ट कनेक्ट बिकॉज मैं कल ही मिला हूँ. एंड दैट इंसिडेंट हैज चेंज्ड मी फॉर लाइफ, यू नो दैट. नाउ यू डिजर्व अ सल्यूट, क्योंकि अभी आपने एक लाइफ को बचाया है सीरियसली. एंड देखो आप, ये प्रॉब्लम कितनी डीपली रूटेड है. अभी देखिए कि अगर कोई उस टाइम पे राइट पर्सन नहीं मिले तो कितना, मतलब बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं. एंड समवन कैन लूज द लाइफ. ओ गॉड. ओके, चलो अभी बात करते हैं आपके लिसनर्स आर्मी के बारे में. क्या है, कैसे शुरू हुआ, और जब आपने स्टार्ट किया उसके कितने टाइम बाद वॉलेंटियर्स ने आपको कांटेक्ट किया, अभी कितने लोग इस आर्मी में हैं, और कितने लोग आप ट्रेन कर रहे हैं, और कितने लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए. तो इट्स बीन आई थिंक मोर देन अ मंथ नाउ जो हमने स्टार्ट किया. जैसे स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वी डिड नॉट टेक एवरीवन, बट जब हमने लिंक डाली है उसके बाद विद इन अ वीक और टू हम लोग को 2000 लोगों ने बोला कि वी वांट टू वॉलंटियर, वी वांट टू वॉलंटियर.
एंड ओके नाउ मोर देन 3,000, अराउंड 3,000 वॉलंटियर्स जो करना चाहते हैं, जिसमें से हमने वाओ सबको नहीं लिया, अराउंड 150 वॉलंटियर्स जो अभी ऑन बोर्ड है हमारे पास. बिकॉज सिंस इतना डिमांड नहीं है, हमने भी सोचा कि यू नीड टू टेक सब लोग को अभी, तो स्लोली विल टेक. इन लोगों को मैसेज नहीं आया, उन लोग को आ जाएगा, डोंट वरी गाइस. या अपार्ट फ्रॉम दैट, यस एवरी वीकेंड वी हैव संडे सेशंस, जो हम लोग रूम सेशन लेते हैं जहाँ पे लोग आके बात करते हैं एज अ फ्रेंड, बी देयर फॉर समवन. और इतने एट द एंड ऑफ द सेशन वी आस्क देम फॉर अ फीडबैक, एंड आई एम टेलिंग, हमको आज तक एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, नॉट इवन 5% वाला, नॉट इवन 1% किसी को बुरा लगा हो. सो आई एम रियली ग्लैड कि आवर वॉलंटियर्स आर गिविंग दैट स्पेस टू समवन, और हर कोई खुश होकर जा रहा है यहाँ से. So it is making a huge difference. Loving it. So any criteria, any eligibility to just join your army? So yes, तो पहले तो 18+ होना बहुत जरूरी है. बाकी तो we train how to be a good listener. हमारे sessions होते हैं where we guide how to be a good listener, how to show empathy and everything. Apart from that, फिलहाल तो यही है criteria. Any future plan? काफी अभी तो जैसे स्पीकर्स हम लोग पर्सनली जिन लोग को जानते हैं उनको हम नहीं बता पाते ना कि हम उनके साथ हैं, तो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल थ्रू आर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. सो वी आर ग्रोइंग, और फ्यूचर प्लान तो यही है कि ऑल ओवर इंडिया इसको एक्सपेंड करना है. अभी तो आई एम टेलिंग यू कि रिसेंटली इन लास्ट 1 वीक हम लोग को कैनेडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, इवन पाकिस्तान से लोगों ने बात की हमारे वॉलंटियर्स के साथ. सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, वी आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, एंड आई थिंक इसके लिए तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है. सो कैन वी एक्सपेक्ट एनी हेल्पलाइन नंबर फ्रॉम यू गाइस? एब्सोल्युटली, इट कैन बी पॉसिबल इन नियर फ्यूचर. Yeah, I mean that is a great idea, na. Aajkal to वैसे भी सब कुछ you don't have to present physically, but आप अगर help करना चाहते हैं तो through calls भी help की जा सकती है. Yes, like you just saved her life, one girl's life. Yeah. नहीं, what you have done now, since last 1 week we had tried experimenting a little कि हम वो weekdays भी ले सकते हैं या जो volunteers free है. So they take sessions, Zoom sessions, जैसे कॉल होता है तो कॉल में प्राइवेसी जा सकती है, तो sometimes we take direct Zoom sessions. So that's going on. One to one. Wonderful, yeah. जैसे लोगों को देख के समझ में आ जाता है, you feel very comfortable when there is someone in front of you. So yeah, so it's a nice thing. बातें करके आपसे आपकी इतनी ब्यूटीफुल स्माइल है, आपको देख के तो लोग वाकई में कंफर्टेबल हो गए, सब कुछ वेंट आउट कर देते होंगे. तो अच्छा, बीइंग एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आपने ये आप यू कम अप विद दिस आइडिया, तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे आपके इसमें. और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि बच्चा जॉब के बाद सीधा जा रहा है, बोर्ड लेके खड़ा होगा, लोगों की प्रॉब्लम सुनेगा. कभी ये नहीं बोले कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, अगर तुमको कुछ करना ही है तो. मतलब क्या चैलेंजेस आए आपको, क्या रिस्क आए आपको ये सब करने में, कि जैसे ये भी होता है ना, एक जजमेंट का भी डर होता है, लोग क्या कहेंगे ये आइडिया के साथ कि नहीं वहां जा रहा है, बोर्ड लेके खड़ा है, कोई आएगा नहीं आएगा, ये क्या चीज होती है, राइट? तो उसके बारे में बताइए. तो चैलेंजेस तो यही था कि सिंस हम बहुत लोग अभी हो गए, तो वेयर वी स्टैंड ना, उसके आजू बाजू शॉप्स है, तो लोग हम ही देखते हैं, लोग आजू बाजू क्राउड क्रिएट हो जाता है, लोग उनकी तरफ नहीं देखते, तो उनका धंधा कम हो जाता है अचानक से. तो थोड़ा सा आप आगे खड़े रहो या फिर इधर खड़े रहो, थोड़ा ये दैट हैज हैपेंड. एक बार तो पुलिस भी बुलाई थी, बट या व्हेन वी टोल्ड देम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, पुलिस ने भी काफी सपोर्ट किया, दे जस्ट पोलाइटली आस्क्ड अस टू स्टैंड सो दैट जहां भी बाकियों को भी अफेक्ट ना हो, विच इज अंडरस्टैंडेबल. एंड टॉकिंग अबाउट सो सेकेंड और थर्ड डे दैट आई वॉज डूइंग दिस इन 2020, मैं कॉलेज में था और मेरे प्रिपरेशन लीव चालू थी, एंड मॉम गॉट टू नो थ्रू फेसबुक आर्टिकल कि राज इज डूइंग समथिंग ऑन रोड्स विद अ बुलेट, एंड शी डिड नॉट इवन थिंक क्या कर रहा है, शी जस्ट सॉ कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ तो कर रहा हूँ, एंड दैट वॉज फर्स्ट फर्स्ट लॉकडाउन के बाद की भी बात है. तो शी वॉज वेरी स्कैर्ड, ने कॉल लगाया, सुना दिया मुझे कि ये क्या कर रहा है, पढ़ाई का टाइम है और प्रिपरेशन करने का है, तेरे इतने बैकलॉग है, पढ़ क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, व्हाई व्हाई गोइंग आउट, कोविड है,
मुझे डांट दिया, सुन लिया, अब ठीक है मॉम, आई डोंट इवन एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड क्या व्हाट आई एम डूइंग, तो पेरेंट्स राइट जी तो ठीक है उनका बनता है डांट। मैंने सुन लिया, फिर कुछ देर बाद मम्मी ने पढ़ा वो जाके एंड देन शी कॉल्ड मी अगेन एंड शी वाज वेरी हैप्पी दैट यू नो दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर डिप्रेशन। फिर उन्होंने तो पहले तो बहुत डांट दिया था, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया था कैसे डांट दिया, देन शी वाज तब से बहुत सपोर्ट किया है ने। एंड फिर मेरे मॉम ने डैड को कॉल किया एंड देन डैड को कॉल करके बोले कि राज हैज गॉन वायरल, तो डैड ने तो सर पकड़ के नीचे ही बैठ गए कि अब क्या कर दिया इसने पेरेंट्स मैंने तो मॉम वाज लाइक कि मेरा बेटा कुछ अच्छा नहीं कर सकता क्या, अच्छी चीज के लिए वायरल नहीं हो सकता क्या, मेरा बेटा राइट वेरी प्राउड ही हैज Yes, मतलब डैड्स प्राउड होते हैं व्हेन दे शो दैट फीलिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग राइट, पेरेंट्स इतने एक्सप्रेस मतलब डैड्स एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं क्या। एक ये भी फेयर रहता है ना कि नहीं हम लोग जा तो रहे हैं ऑन ग्राउंड इस चीज को कर तो रहे हैं, कोई आएगा कि नहीं आएगा, कोई बताएगा कि नहीं आएगा, लोग हंस के चले जाएंगे वो भी, एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट सीरियसली ओवरकम दिस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज तनु कितना सीखने के लिए है, जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जो बाद में इंटरव्यू देखेंगे, कितनी बड़ी एक चीज लर्निंग कितनी बड़ी है कि आप एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ चैलेंज को ओवरकम करके कि मुझे ऐसे कुछ करना है, एट फर्स्ट ये बहुत मुश्किल होता है बट जब आप उसको कर लेते हो उसके बाद तो मतलब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ पॉसिबल है। और क्योंकि हम सही है और हम सही कर रहे हैं तो भले स्टार्टिंग में कितना भी मुश्किल हो लेकिन बाय द एंड ये अच्छा ही होने वाला है, बस अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। एग्जैक्टली ये चीज और एट द एंड अगर आपने एक भी लाइफ चेंज की है तो यू हैव मेक दैट यू हैव मेड दैट डिफरेंस इन द सोसाइटी, तो आप और तो इतनी सारी लाइफ चेंज कर रहे हैं। हाँ, और ऑन ग्राउंड जब आप ये करते हैं ना और ऑन ग्राउंड आपको रिजल्ट दिखता है उनके एक्सप्रेशंस में, उनके आंखों में वो सुकून दिखता है आपसे बात करके, दैट इज समथिंग एल्स, मतलब एब्सोल्युटली वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। ओके मूविंग ऑन गाइस, नाउ कम टू क्विक क्वेश्चंस। तो आज क्या करते हैं, कैसे कर किया, ये सब हमने कवर कर लिया है, जो जो बातें उन्हें बतानी थी हमने सब पूछ ली है, और आपको तो पता ही है उनका इंस्टाग्राम हैंडल सब कुछ बता ही देता है कि वो कैसे और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बट राज एक्चुअल में पर्सनैलिटी वाइज क्या है आज हम जानने वाले हैं, और ये होने वाला है सबसे पहले क्वीन शो पे। सो राज, इट विल बी अ रैपिड फायर राउंड और मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगी तो आप क्विकली आंसर करेंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू अ ट्रैवल सोल और अ पार्टी गाय? ट्रैवल सोल वेरी गुड। ओके, शॉपोहॉलिक और मिनिमलिस्ट? मिनिमलिस्ट, आई लाइक टू शॉप फॉर अदर्स। रियली? आप दूसरों के लिए शॉपिंग भी करते हैं? लव गिफ्टिंग या ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेस यू आर प्लानिंग टू विजिट नियर फ्यूचर? दिल्ली, दिल्ली दिल्ली। अच्छा, आप ऐसे दिल्ली से ही हैं बेस्ड? नहीं, आई एम बेस्ड इन, आई एम करंटली नागपुर, आई एम वैसे तो मेरे पेरेंट्स दुबई में रहते हैं बट हाँ, मेरा होम टाउन इज नागपुर। नागपुर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? काफी ट्रिकी क्वेश्चन। सक्सेस इज वेर आई एम हैप्पी, देन आई एम हैप्पी, इट्स नॉट काफी ट्रिकी मटेरियलिस्टिक। आंसर। सक्सेस इज वेर वेर यू हैप्पी, जब दिल से सुकून मिलता है ना, दैट इज सक्सेस। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट वी शुड सर्च फॉर, दैट्स व्हाट मैटर्स। या ओके सो ट्रू। चलो ओवर टू यू तनु। सो डू यू रीड बुक्स या आई डू, एंड एनी गुड बुक यू रिकमेंड? सो या फर्स्टली तो आई वुड रियली सजेस्ट की पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़े लोग, माय फेवरेट, वन ऑफ माय इट फेवरेट। विल ओपन योर माइंड टू अल्टीमेट, मतलब इतने सारे ओपनिंग्स आएंगे ना उसके बाद, यू विल कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दैट बुक। आई एम टेलिंग यू इट्स अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल बुक एंड दैट कंसेप्ट और नाउ इट मैंने इज। आंसर भी किया था आपकी स्टोरी पे। ओह यस यस,
काफी लोगों ने काफी लोगों ने बहुत कुछ अलग अलग वियर्ड आंसर्स दिए थे, चेंज योर थॉट सबके लोगों जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो अभी ये बुक पढ़ ले, इट्स अ वेरी गुड बुक. बिल्कुल. तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ डू यू चिल योर मूड यूजुअली? आई गो मीट माई फ्रेंड्स, आई चिल विद देम, यू नो, व्हेन एवर आई फील लो आई गो कि हाँ, आई कॉल देम टू मीट, लेट्स हैंग आउट एंड वी गो टू अ रेस्टोरेंट समवेयर. इट्स लाइक एक दैट ह्यूमन कनेक्शन इज रियली इम्पोर्टेंट टू हैव दैट, यू नो, बातें होना, बहुत दिनों बाद आप मिलते हो तो दैट इज नाइस फीलिंग. तो आई या अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक स्विमिंग, लाइक प्लेइंग बैडमिंटन. या Okay, that's nice. And if you get a chance to change one thing in this whole world, what would you like to change? फर्स्टली आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन पीस. जितना अगर चेंज करना है तो आई विल चेंज एंगर, जो एंगर लोगों में आता है वो चेंज कर पाता, तो देन थिंग्स विल बी रियली गुड. वैसे तो काफी वियर्ड फीलिंग्स है, बट या आई थिंक ये फीलिंग्स हमको नेचुरल बनाती है टू ओवरकम दैट एंगर इश्यूज. आई थिंक हाँ, मतलब आई हैव इवॉल्व दैट वे टू. पहले गुस्सा आता था, बट वेन यू रियलाइज किया यार गुस्सा करके कुछ होने नहीं वाला एट द एंड ऑफ द डे, यू गेट पीस विद इन, तो यू नो इट चेंजेस यू कम्प्लीटली. अभी मुझे ना बहुत बहुत रेयरली, और कुछ कुछ बहुत ही बुरा हो गया देन ओनली आई गेट एंग्री, वरना या आई हैव कम्प्लीटली कूल अभी एंड काम. गॉट कूल एंड काम. जो होगा अच्छा देखिए. राज, जैसे आपके पास बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, तो अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस है, व्हाट डू यू थिंक दैट विच जनरेशन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड विच जनरेशन कम्स टू यू द मोस्ट? ओके, जनरेशन सी, सिंस आई एम अ 24 ईयर किड तो पीपल रिलेट टू मी अलॉट, यू नो, कि वो एज ग्रुप वाले ज्यादा आते हैं 40 प्लस, दे ऑल्सो कम बट कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है यार ये मेरी क्या मदद करेगा. बट राइट राइट. या इफ आई सी टीनेजर्स भी बहुत आते हैं, बट 21 to 26 आई वुड से दैट, यू नो, वो एज ग्रुप में बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं. ओके राइट ओके. चलो मूविंग ऑन फॉलोअर्स, अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है. वैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास डीएम में ऑलरेडी आ गए थे तो वो अभी ले लेते हैं राज. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है फॉलोअर्स का कि हाउ एनीवन कैन ज्वाइन योर आर्मी, बताइए. तो आप हमारे पेज पे जा सकते हो, लिसनर आर्मी पेज पे, देर इज अ लिंक ओवर देयर रिटन, वहाँ पे लिखा है कि आप यहाँ पे वॉलंटियर करना, तो ये लिंक पे आ सकते हो. तो यू कैन फॉलो ऑन दैट लिंक, यू कैन रजिस्टर ओवर देयर एंड देन विल कॉन्टेक्ट, हमारी अच्छा टीम कॉन्टेक्ट करेगी. आपकी टीम कांटेक्ट करेगी. अभी आपकी टीम में कितने एक्टिव पीपल है, मतलब जो एक्टिवली लिसनर आर्मी को हैंडल कर रहे हैं? अभी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर वेरी प्रीटी एक्टिव. बहुत लोग हमेशा दे, यू नो, मैसेज कि हाँ कि हमारे लिए कुछ काम है तो बताओ, हमारे लिए कुछ काम है तो बताओ. वाह, तो या काफी लोग हैं, टू कीप अकाउंट आई थिंक मोर देन 80 तो है ही जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज के लिए. अक्षय सक्सेना हैज अ क्वेश्चन. या अक्षय सक्सेना हैज अ क्वेश्चन. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट लव रिलेशनशिप्स इन अर्ली एज? दैट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज इसके लिए मैंने बहुत सोचा है और इसके ऊपर मेरे को आंसर मिला है कि सी, एवरीवन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ हाउ आवर सोसाइटी हैज फॉर्मड दिस थिंग. एक इमेज बन गई है कि यार लव इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग और ये तो सबको मिलना ही चाहिए. शाहरुख खान की मूवीज देख देख के सब बड़े हुए हैं. एवरीवन वांट्स दैट परफेक्ट रिलेशनशिप, बट नो वन नोज हाउ टू बी अ परफेक्ट पार्टनर, राइट? सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग टू अंडरस्टैंड. कि और वही बच्चे अभी जैसी हल्की सी फ्रीडम मिलने लगती है घर को, घर से चुप चुप के हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और फिर जब प्रॉब्लम्स आनी चालू होती है तो लोग उसे भागना चालू कर देते हैं, एंड देन यू नो फाइट्स होती है, एंड देन डोंट नो हाउ टू एंड इट. लोग ऐसे लोग भाग जाते हैं, लोग यू नो क्लोजर नहीं देते, काफी वियर्ड हो जाता है. सो देखो हर किसी को तो प्यार करना है, बट लोगों को पता ही नहीं कि प्यार करते हैं कैसे. तो आइए इसके करते हैं ऊपर, हाँ, हम लोग इसके ऊपर भी सेशंस लेने वाले हैं इन स्कूल्स की, हाउ टू बी अ गुड पार्टनर. सी आई नो बीइंग, ठीक है, एक्सेप्ट करना जरूरी है ये चीज, क्योंकि यार सब लोग रिलेशन में आ रहे हैं. पेरेंट्स को करना नहीं होता है इसलिए बच्चे उन तक पहुंचते नहीं है, बट अगर पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग में ही अगर ये बता दिया कि इफ यू डिडंट इट्स ओके, दैट इज नेचुरल,
ये चीज उनको बता दी तो वो लोग उनके पास प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनके पेरेंट्स वो अच्छे से जानते थे, वो गाइड देम बेटर. तो आई थिंक ये नॉर्मलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ योर रिलेशनशिप इट इज ओके एंड या हाउ टू बी अ गुड पार्टनर इज समथिंग दैट वी शुड ऐड इन सिलेबस, मेंटल हेल्थ को लेके भी. दैट इज आई थिंक कहीं ना कहीं वी आर लैगिंग एज एन एजुकेशन सिस्टम. One more, Pawan Prakash is saying, Raj, I have been trying to contact you on DM, but you are not replying. I am just crazy for joining your group, please. Okay. भाई अगर आपने हमारे लिसनर आमी पे रिप्लाई किया तो यू वुड हैव गॉट अ रिप्लाई जल्दी. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. या आपको रिप्लाई मिल गया होगा तो या मेरे डीएम से कभी कभार मतलब बहुत लोग मैसेज करते हैं तो मैसेज नीचे चले जाते हैं. बट यस अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ यू कैन रीच आउट. एक्चुअली कैसे वी आर नॉट रिक्रूटिंग एनीवन राइट नाउ, मे बी इन अ मंथ वी स्टार्ट रिक्रूटिंग अगेन बिकॉज देयर आर ऑलरेडी मेनी वॉलंटियर्स, एक्टिव वॉलंटियर्स एंड वी विल रीच आउट टू यू. इट माइट टेक अ टाइम बट स्टे कनेक्टेड. या You can DM again. Okay. Aryaman is saying, "Bhaiya, how to become extrovert from introvert?" Okay. So as I suggested, ki pehle to first step leni zaruri hai. Take the first step. Dil mein thaan lo ki aapko thoda better banna hai, jaise aap already ho. Introverts ka jaise they are comfortable being alone. So jab tak aap comfort zone mein rahoge, you never grow. To jab tak aapke man mein nahi aata ki you want to go out of it, you want to grow. तो आप नहीं होंगे. तो टेक दैट फर्स्ट स्टेप. जबकि जब जब भी आपको लगता है कि हाँ नहीं आपको ग्रो करना है तो मीट अ रैंडम पर्सन, यू नो, टॉक टू देम, रीच आउट टू देम एंड टेल यू नो हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो. वो अंदर से जब आएगा ना तो यू वोंट नीड टू आस्क मी डिफरेंट क्वेश्चन. बट या रीच आउट टू एक इंसान को पहले, फिर दो, फिर फाइव, फिर टेन, एंड ऐसे ऐसे ग्रो करो. आई एम श्योर यू विल कम आउट ऑफ इट. और इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज इफ यू If you're committed to it, you will come out of it. Honestly. Okay. Now another question. A question पढ़ के मेरे को smile आ रही है मेरे face में. क्योंकि ये आप राज को ना लव गुरु में कन्वर्ट कर रहे हैं. देखो कैसे. हाँ, right. देखो, what is the probability that a girl from central India will marry and settle with an Arunachal guy? I say 22% probability was there. Well, to be honest, since we are already growing, sorry for that. Since we are already growing, our community is growing, our society is growing. They are accepting more. So, ये जो city states की जो boundaries है, I think we have already crossed it. जब तक कि तुम्हारे parents को वो समझ नहीं आता, if they are not accepting it, then your attitude towards how you're telling them should make a huge difference. Because बहुत लोगों जब आपको कुछ चाहिए तो आप ना चिड़के बताते हो कि मुझे चाहिए. अगर वो ना बोले तो आप चिढ़ जाते हो. अगर चिड़के इफ यू गो विद दैट एटीट्यूड यू विल नेवर बी एबल टू कन्विंस देम. इंस्टेड गो टू देम विद अ वेरी स्वीट एटीट्यूड दैट यू नो हाय पापा आई रियली वांट टू टॉक टू यू समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मी एंड प्लीज आई रियली वांट यू टू बी ऑन द सेम पेज एज आई एम. देयर इज अ गर्ल दैट आई लाइक, शी इज नॉट फ्रॉम आवर सिटी, शी इज फ्रॉम डिफरेंट state. I really want to marry her. Please, I would really appreciate it if you give me the go ahead. If that attitude you go and talk to them, I am sure ki koi parents mana nahi karenge. Unko bhi wahi chahiye jo aapki apne bachchon ki khushi chahiye yaar. Koi parents aapke against nahi hai. Just try to change the approach. Yeah. Okay, I'm getting the question here. The Sharma is saying, I want to talk to you in DM, but don't want to explain in front of everyone. Okay, you can DM. Now, another one is Kajal. When you will be come to Nagpur, I need to meet you. Surely. And there is Tapan also. Bhai, I mailed you and even messaged you. I am waiting for your reply. Yes, another one. Yes, Tanurid. Yeah, after talking to a lot of people and taking in the negativity or their pain, how you balance your mental peace? This is Dil Se Pano Tak, but I don't know the name. Name in case they're confusing. Dil Se Pano Tak. Okay, from heart to pages. Now I got it. Yeah, question is how balance your mental health peace? Matlab, how to balance your mental health?
ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस योर मेंटल हेल्थ यू मीन टू से आर इमोशंस राइट आर नेगेटिव इमोशन एंड पॉजिटिव इमोशंस. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू नो जो दिन में ना कम से कम 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. इट काम्स डाउन योर माइंड अ लॉट एंड इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू बी एट पीस. यू नो अपना माइंड बहुत ओवर थिंक करता है. देर आर कॉन्स्टेंट थॉट्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे बट वेन यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज वेन यू काम योर माइंड डाउन वो जो 15 मिनट की शांति जो आपके दिमाग को मिलती है दैट कैन रिफ्रेश एंड मेक यू मोर इनोवेटिव. तो डू दैट दैट इज मतलब आपको गुस्सा भी आ रहा है तो 15 मिनट का अगर आप डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज यू कैन काम डाउन अ लॉट. तो दिस इज समथिंग दैट आई सजेस्ट अ लॉट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट गो आउट फॉर दिस थिंग गो आउट फॉर रनिंग. आई थिंक 45 मिनट्स ऑफ रनिंग इज रियली हेल्दी एंड इट कैन चेंज योर यू नो जो आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स घूमते हैं इट कैन रिलीज लॉट ऑफ एंडोर्फिन्स एंड मेक यू हैप्पी. सो जो नेगेटिव इमोशंस है जैसे नेगेटिव केमिकल्स है कॉर्टिसोल एंड ऑल वो बहुत कम हो जाएंगे एंड विल बी ओवर पावर्ड. तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपको, आप बीइंग अ यंग बॉय, आपको लोगों ने सच में लव गुरु बना दिया, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे आ रहे हैं वो सब यही है कि गर्लफ्रेंड, अगर इफ देयर विल बी अ वन साइडेड लव तो कैसे मैनेज करें, इफ शी रियली वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड तो कैसे हैंडल करें. तो आप लव गुरु बन गए हैं राज इंडिया के. कैसा लग रहा है? यस यस, हर्षित का क्वेश्चन पूछ रही हो ना सुरुचि, या मैं भी वही कर रही हाँ थी. यस, ये अगर वो मेरी फ्रेंड ही रहना चाहती है तो क्या करूं मैं. तो कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो पहले. एब्सोल्युटली. यस, लॉट ऑफ क्वेश्चन. लॉट ऑफ क्वेश्चन. और एक दिन मैं तो आपसे आके पर्सनली मिलने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी पुणे से ही हूँ, तो आपको FC रोड पे तो पक्का एक दिन मैं मिलूंगी और अपनी स्टोरी पक्का शेयर करने वाली हूँ. तो आई एम वेटिंग फॉर इट. FC रोड सूची का अड्डा है तो ये पक्का मिलेगी. सो हर्षित, यस हर्षित बोल रही हूँ. राज, सो एनी एनी मैसेज, एनी एडवाइस, एनी सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू अवर ऑडियंस, टू यंगस्टर्स, टू पीपल इन डिप्रेशन, किसी, आप क्या एक एक होलसम एक मैसेज आप दे डालिए. ओके सो यही मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके आजूबाजू ऐसे कोई भी इंसान है जो थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट कर रहा है थोड़ा आपको अलग छोड़ रहा है या फिर यू कैन सी कि हाँ वो थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंट है इनके लाइफ में जाके उनसे प्लीज बात करो. उनकी लाइफ में अगर आप ओके 5 मिनट भी अपनी लाइफ का दोगे सो इट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइफ. बहुत लोग उस चीज में जब गिरते हैं तो दे एलिनेट देमसेल्फ विद देयर फ्रेंड्स अकेले ही सफर करते हैं और फिर वो निकल नहीं पाते हैं. और व्हेन आई सॉ मेनी पीपल लूजिंग देयर लाइफ्स अराउंड मी आई थॉट दैट अगर मैं उनसे 5 मिनट जाके बात करता तो मे बी दे वुड हैव बीन अलाइव राइट नाउ. सो मेरे में वो रिग्रेट है. आई होप कि आप में वो रिग्रेट ना हो. तो अगर आपके आजू बाजू कोई फ्रेंड्स है तो प्लीज उनसे रीच आउट कीजिए उनको बस अपने 5 मिनट दीजिए. आई एम टेलिंग यू दैट विल बी मेकिंग ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ. एंड टेल मी हाउ योर एक्सपीरियंस वॉज. आई वुड रियली लव टू सी. अगर आपको लगता है कि आप किसी और की मदद करना चाहते हो तो आप भी वोट लेके जा सकते हो. आप भी लोग सुन सकते हो. यू डोंट नीड टू बी अ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट टू बी अ गुड लिसनर. सो आई रियली सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि यू कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस तो दिस इज अ स्टेप दैट यू कैन टेक एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम अ एक्सट्रोवर्ट फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट. हाउ ब्यूटीफुल. एंड एक चीज मैं पूछना भूल गई, दैट व्हाट इंस्पायर्स यू राज, व्हाट इज योर मोटिवेशन? मोटिवेट. सो जो ये स्टोरीज मैं सुनता हूँ जब मैं लास्ट में उनको उनकी लाइफ में अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उनकी जो स्माइल देख के ना दैट मोटिवेट्स मी कि यार यस आई एम मेकिंग ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ. तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि यार आई शुड गो अगेन एंड अगेन. तो मोटिवेशन तो आई थिंक इंस्पायर होना ना किसी चीज़ से अगर अपन दूसरी बाहर की चीज़ों से इंस्पायर होते हैं तो वो दैट इज वेरी टेम्पररी इट कैन फेड ऑफ बट इफ द इंस्पिरेशन इट इज गोइंग टू स्टिक. So I look for inspirations in myself that, you know, that can make a change in my thinking. So yeah, that is. ग्रेट ग्रेट मैसेज. क्या बोलूं राज, मुझे तो आपसे मिलके हम दोनों को इतना अच्छा लगा. आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? काफी डिफरेंट क्वेश्चन था. देर वर सो मेनी क्वेश्चन दैट आई डोंट थिंक किसी ने मुझे पूछा उससे पहले. तो इट वाज नाइस. काफी मतलब काफी अच्छी ऑडियंस भी थी जिन लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे. कुछ कोई तो कह रहा है शो मी योर एब्स. हाँ, दे रियली वॉन्ट टू सी योर बॉडी.
हैपनिंग ऑडियंस है हमारी, है ना एकदम। देर इज वन मोर क्वेश्चन, अच्छा दिल से पन्नो था, एंड वन मोर थिंग, आफ्टर टॉकिंग टू अ फ्रेंड हु इज फीलिंग लो, वी ऑटोमेटिकली फील अ बिट लो, बट हियर यू टॉक टू सो मेनी पीपल, सो हाउ डू यू हैंडल, ऑब्वियसली दोज नेगेटिव वाइब्स ऑल्सो कम्स टू यू, तो आप कैसे डील करते हैं उससे, क्योंकि आप इतने सब चीजें सुन के जाते होंगे, तो सोने से पहले हर ख्याल आता है, तो आप कैसे डील करते हैं उस सिचुएशन से? ओके सो इट कैन बी अ रियली ओवरवेलमिंग स्टेट कि आप बहुत लोग की स्टोरी सुन रहे हो, थोड़ा आपके ऊपर ही अफेक्ट हो सकता है. व्हाट आई सजेस्टेड इज डूइंग मेडिटेशन, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट हेल्प्स अ लॉट, इट काम्स डाउन योर माइंड. जितने नेगेटिव थॉट्स है वो कहीं ना कहीं कट डाउन हो जाते हैं काफी ज्यादा. और अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आई एम लिसनिंग टू समवन स्टोरी, आई लिसन टू इट ऑन एट अ थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू. इफ आई बिकॉज कैसा होता है, लोग मुझे बताते कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे लाइफ में ये हो रहा है, सो दैट मेरा 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 मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आई लिसन, मेरा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे माइंड में ऐसा बनता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सो माई सबकॉन्शियस नोइंग कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे कंटिन्यूसली ऐसे ड्रीम्स आती थी कि यार मेरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और आई एम द मेन पर्सन जिसके अराउंड वो स्टोरी घूम रही है एंड आई एम गेटिंग अफेक्टेड. तो मैं दिन भर बहुत खुश रहता था, रात को सोता था तो बहुत वही सब सपने आते थे, और सुबह उठता था आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, सो आई सीक्ड आउट माई साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स, तो उनको मैंने पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वही स्टोरीज क्यों आ रही है जो मैं सुन रहा हूँ, सो दे एक्सप्लेन कि यार यू शुड लिसन टू स्टोरीज एट अ थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू एंड दैट कैन हेल्प यू कट डाउन ये जो थॉट्स आ रहे हैं. तो वही तो मुझे तेरे लगता है ये सारे पास की पॉइंट्स आप बताते होंगे अपने इसमें लिसनर्स आर्मी में, कि आपको कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें, राइट? देर इज वन मोर थिंग आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दैट, कि बहुत सारे लोगों को ना ये मिथ है, एंड ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है. वेन यू गो थ्रू अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, अ सिवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन और डिप्रेशन, तो लोग कतराते हैं किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए, है ना. एंड इवन घर वाले भी कभी कभी ये बोल देते हैं कि ये तो पागल है, तो खुद साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं. तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जस्ट टू मोटिवेट देम कि ये दिस इज अ गुड थिंग, हाँ, यू आर टेकिंग एज इफ जैसे आपको सर्दी खांसी हो रही है, यू आर टेकिंग मेडिसिन, इट इज जस्ट लाइक दैट बीमारी. तो वो लोग जो डर रहे हैं इस चीज को डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, तो उन लोगों के लिए आप कुछ बोलिए. सी जैसे ही अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पैर दर्द कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाते हो, राइट? सो व्हाई नॉट गो टू साइकोलॉजिस्ट यू नो व्हेन यू आर नॉट इमोशनली फिट, राइट? अंडरस्टैंडिंग दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट. लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से एक ऐसी इमेज क्रिएट हो चुकी है, बिकॉज अर्लियर टाइम साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ वो लोग जाते थे जो लोग क्रेजी हो चुके हैं अकेले रहकर, या राइट. फिर या शोइंग वेरी इरेटिक इमोशंस. तो जब आप मतलब लोगों के माइंड में वही चीज क्रिएट हो चुकी है जिसको हमको इंडिविजुअल लेवल पे चेंज करना है. आप अपने पेरेंट्स को नहीं, अगर आपको कुछ स्ट्रेस है तो आप तभी भी जाके मिल सकते हो. तो ये सब तो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे चेंज होना चाहिए, जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे साइकोलॉजिस्ट, अगर आपको कोई भी इशू है, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागलों के लिए नहीं है, दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमोशंस. नॉर्मली भी बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं और वो लोग नहीं रीच आउट कर पाते जस्ट बिकॉज ऐसी बातें फैली जाती है. सो वी हैव टू चेंज दैट इन आर सोसाइटी. अपने लोगों को एजुकेट करना है, अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो गो टू देम. मैं बता रहा हूँ, लोग अगर आपको, मुझे भी बोला गया था कि हाँ ये तो पागल है, तो साइको है, ये तो मेंटल है, बट अगर मैंने मैंने उन्हीं दोस्तों का सुना होता, मेरे वाला अरे नहीं गया होता, तो आई वुड नॉट हैव बिकम अ बेटर पर्सन. आई माइट हैव जंप्ड ऑफ द डे दैट डे व्हेन आई वाज स्टैंडिंग ऑन माय बालकनी. सो या सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट व्हाट अदर पीपल थिंक, बिकॉज अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू इवॉल्व और ग्रो. सो लिविंग इन अ सोसाइटी, आई नो वी हैव टू बी इन दैट दायरा, बट अगर वो दायरा ही गलत है तो इसमें रहना चाहिए. तो राज, एनी पर्टिकुलर डे जिस दिन आप एफसी रोड पे अवेलेबल हो, कोई प्लान, या कोई संडे जाते हो, या कोई डे फिक्स है, या कभी भी? नो, सैटरडे संडे वी आर देयर, हमारी टीम तो रहती है सैटरडे को भी हाँ, और संडे को भी. यू कैन फाइंड अस, संडे को तो काफी लोग आते हैं, सो या एफसी रोड पे आप वी कब आर. आई आते हो? कम ऑन सैटरडे, जब भी आई कम, मे बी संडे और संडे, फ्राइडे और संडे को तो रहता हूँ. तो श्योरली विल कैच, डोंट वरी. डेफिनेटली. तो और एक और मेरे इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपसे बात करने के लिए, और आपका टाइम जा रहा है, बट ओके, वन मोर क्वेश्चन. अच्छा, आप ये जो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है आजकल यंगस्टर्स के लिए, वी एवरीबडी नो कि नहीं,
करियर पे भी ध्यान देना है, साइड बाय साइड रिलेशनशिप पे चल रही है, जब हमें सबसे ज्यादा अपने करियर को फोकस करना चाहिए। यूजुअली हमारे साथ ही होता है कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं कि हमें या तो उससे शादी करनी है और वो हो नहीं पाती है। तो ये एक ऐसी चीज है कि हम अपने 20s में मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स इसी से ही गो थ्रू करते हैं, करियर एंड रिलेशनशिप। अब बीच में अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है तो एड ऑन पॉइंट, तो इतने सारे स्ट्रेस वाले माहौल में जब आपको फोकस अपने सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस पे करना है अपने 20s में, कैसे बैलेंस करें अगर कोई भी नहीं है साथ में, तो कैसे अपने आप को काम रखें और प्रायोरिटाइज कैसे करें कि अभी क्या जरूरी है? तो देयर इज आई थिंक ये हमको आई थिंक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तो सिखाया जाता है कि नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, ये क्वाड्रेंट रहना चाहिए। आई फॉलो दैट इन माई नॉर्मल, मेरा जो लिसनर्स आर्मी को मेंटेन करने के लिए आई फॉलो इट देयर टू। तो जब यू हैव क्लैरिटी कि हाँ यहाँ पे किस चीज को मेरे को अभी टाइम देना जरूरी है, मैं उसको अगर दे रहा हूँ तो आई एम फुलफिलिंग माई सेल्फ और आई एम ठीक है, उसके ऊपर ही फोकस रखता हूँ कि ठीक है जो भी बाकी चीज इम्पोर्टेंट है बट वो मैं बाद में करूंगा, आई टेक द फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट, थर्ड एंड देन गो ऑन। तो ये चीज क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है कि अगर आप सब चीजों को साथ में हैंडल करने जाओगे तो आपकी एक भी चीज सही से नहीं होगी। सो कट डाउन फ्रॉम योर लाइफ, अगर मैं अगर ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ, उस टाइम पे वही 100% दे रहा हूँ। आई एम श्योर कि 100% नहीं पॉसिबल होता है, चलो ठीक है 90% तो भी आप दे रहे हो बट जो पहले 70% दे रहे थे उससे तो बेटर ये कि आप 90% दे रहे हो, राइट। सो वो चीज वहां पे आप क्लियर आउट फिगर आउट कर सकते कि हाँ ठीक है यहाँ तक तो मेरा हो चुका है। उसके बाद व्हेन यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स, डोंट थिंक इट आउट यू नो इन योर माइंड, दैट कैन लीड टू ओवर थिंकिंग, राइट इट डाउन, स्टार्ट जर्नलिंग व्हाट यू फील, तो यू विल अंडरस्टैंड, बहुत सारी क्लैरिटी तभी आ जाती है यार कि यार मेरे को करना क्या है, और ये सब करने से योर लाइफ डिसीजंस कैन गेट क्लियरर। और पेरेंट्स के लिए तो इट्स ऑलवेज कि यू कैन ऑलवेज मेक अ गुड रिलेशन विद देम, इट्स दैट कि यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड योर इंटेंशन शुड बी गुड, योर इंटेंट, योर वे ऑफ अप्रोचिंग देम शुड बी गुड। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द थिंग्स, क्योंकि इतना मिक्स हो चुका होता है माइंड में और हमें खुद नहीं पता होता कि क्या हमारी प्रायोरिटीज है, तो जस्ट राइट इट डाउन गाइस। ओके, यस तनु, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। या सो लाइक अ सच ब्यूटीफुल थिंग ही इज डूइंग। आई एम जस्ट रिग्रेटिंग दैट व्हाई आई एम नॉट इन पुणे। वी कुड हैव अ वीकेंड लाइक दिस, यू नो, सैटरडे संडेज यू वुड हैव आल्सो बीन द पार्ट ऑफ दिस आर्मी। हम भी इट्स ग्रेट, यू नो, क्योंकि दूसरों हम भी थोड़ा बहुत वही हमारा भी काम है, सुरुचि है ना, लोगों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना, कुछ शेयर करना, उनकी प्रॉब्लम से खुद यू नो ओवरकम करना सीखना, यही चीज। तो जब इतने आप ऑन ग्राउंड जब लोगों से आप मिलते हो फेस टू फेस, वो सब कुछ जानते हो उन्होंने कैसे ओवरकम किया, और आपके एक इनिशिएटिव लेने से उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है, दैट इज समथिंग रियली ब्यूटिफुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो थैंक यू राज, थैंक यू फॉर बींग देयर for us, for them, for the people. They need you. They need, and we need more guys like you. Thank you so Of much. course, we need this country needs this army. I'm telling you, क्योंकि जो हमारी real army है वो तो काम कर ही रही है जहां करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान का ये दिमाग थोड़ा ठीक तरीके से काम करता रहे और वेंट आउट होती रहे फालतू की चीजें, तो इंसान बहुत ग्रो कर सकता है। और यही एग्जैक्टली आप कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, और नाम इतना सूटेबल रखा है आपने। आई हैव टू से दिस कि लिसनर्स आर्मी, मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि कोई तो है जो हमें सुनने के लिए तैयार है। पूरी आर्मी आपने क्रिएट कर दी है, और क्या चाहिए। तो राज, इट वाज सो ग्रेट, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच, आपने इतना साथ दिया, एंड तक हमारे साथ बने रहे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप हमारा पेज जाके देखेंगे, अकाउंट देखेंगे, IGTV सेक्शन देखिएगा, वहां पर इतने सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी हैं। वी हैव यूट्यूब अकाउंट टू, तो वो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। दिस इंटरव्यू आई एम गोइंग टू सेव ऑन IGTV प्लस ऑन यूट्यूब टू, सो यू डोंट हैव टू यू नो मिस आउट एनीथिंग। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो प्लीज ये रिग्रेट मत करना कि राज की कुछ बातें छूट जाएंगी और मैंने मिस कर दी है। यू कैन कवर
एनीथिंग, क्योंकि हम सब सेव करने वाले हैं तो आप जाके देख सकते हैं एनी टाइम. और राज थैंक यू सो मच, मैं मुझे आज बहुत सारी इंसाइट्स हुई हैं, बहुत सारा लर्निंग मिली है और इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग मिली है कि जस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं, जस्ट बी अवेलेबल फॉर एनी वन हु नीड्स, है ना. हम बात तो सुन ही सकते हैं ना सब सबकी, और शायद हम कुछ ना भी कहें, कुछ सजेशन भी ना दे, बट वो जो आप सुनते हो तो इतना ही सामने वाले के लिए काफी होता है. तो कभी कभी इतना ही काफी है कि आप सुन लें. दैट्स व्हाट आई लर्न टुडे. थैंक यू सो मच. और आप जो कर रहे हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है. यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड यू आर, यस यस, कीप डूइंग इट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर डूइंग ग्रेट 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 आई हैव टू से. और रही हमारे मिलने के बाद, हम श्योरली मिलने वाले हैं, और मैं जिस दिन एससी रोड आऊंगी वीकेंड पे, आई एम गोइंग टू कॉल यू. तो अभी मैं बॉदर करने वाली हूँ क्योंकि यू हैव टू लिसन माई स्टोरी. ओके राज, थैंक यू सो मच फॉलोवर्स फॉर बीइंग देयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय.